उपस्थित इसका गौरवमयी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धे हमारे राज्यपाल महोदय राम नाईक जी, हमारे मुख्यमंत्री जो प्रतिदिन प्रति माह कोई ना कोई नया हमारे बीच में नया अध्याय लेकर आते हैं, परम श्रद्धे योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर हमारे उप मुख्यमंत्री और बहुत ही बड़े शिक्षाविद आदरणीय प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय SPS बघेल जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री नीलकंठ तिवारी जी, चेतन चौहान जी हमारे मंत्रीगण, राजीव कुमार जी मुख्य सचिव, और यहाँ उपस्थित सभी वे बहुत ही ध्यान देते हैं, बधाई देते हैं, बल्कि उन सभी अधिकारियों को और सभी मंत्रालयों को जिन्होंने दिन रात जुट कर एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ की हैं, हर प्रकार से अपने अपने विभाग के क्रियाकलापों को समक्ष रखा है। मैं उन सबको धन्यवाद भी देती हूँ और बधाई भी देती हूँ। उत्तर प्रदेश संभावना का प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश जो लंबी उड़ान ले सकता है। हम ये दिन देख रहे हैं एक नया अध्याय खुला है और यह अध्याय स्वर्ण अध्याय होगा। धन्यवाद, जय हिंद। तीक्ष्ण बुद्धि होती है, जिंदगी को देखने का नया नजरिया होता है, नई दृष्टि होती है, नया जोश होता है, नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और खतरों से खेलने से वो घबराते नहीं। तो इसी भाव को ध्यान में रखकर ये युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़ कर युवाओं ने भाग लिया और समस्याओं के प्रति अपनी सोच और दृष्टि के साथ समाधान रखे। अब उन्हीं जितनी टीमें 11 विषयों पर थी उन्हीं के प्रस्तुतिकरण होंगे। सबसे पहले उत्तम शिक्षा, इस विषय पर टीम लीडर अनुषा दुबे को मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि वो आए और अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें। कुछ मुख्य सुझाव हैं, कला और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना,